धड़कूंगा मैं दिल बन के सुन ले मेरा। अगर आप भी इसी तरह के वीडियो बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिर्फ कैन मास्टर में दो चार सेटिंग करने के बाद ये वीडियो ऐसा बन जाएगा। सबसे पहले ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वीडियो कुछ ऐसा होगा कि आप आगे से पीछे मुड़ के पीछे जा रहे होंगे। तो कैन मास्टर ओपन करने के बाद आपको क्रिएट न्यू पर जाना है, कुछ में 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है और ओपन होने के बाद अमाउंट मीडिया सेलेक्ट करना है और बैकग्राउंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड में रखा हूँ, तो डाउनलोड में जाने के बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये आ गया बैकग्राउंड वीडियो और इस पर आप लेयर में जाके मीडिया में जाके आप अपना रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे यह है मेरा वीडियो जो मैंने खुद का रिकॉर्ड किया हूँ। इसमें जब भी मैं पीछे मुड़ता हूँ वहाँ तक ही रखना है मुझे, जैसे यहाँ से मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। ये आगे का कट करने के लिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करना है जो आगे का कट जाएगा, और इसे प्रेस करके आगे मैं ले जाता हूँ, फिर आगे ले आया और इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ से यार वो आप बड़ा करके फुल स्क्रीन कर देना है, यार फुल स्क्रीन करने के बाद राइट टिक कर देना है। इतना ये हो गया और इतना करने के बाद आपको ये लेयर वाला जो वीडियो आपने सेलेक्ट की इस पर क्लिक करना है और चले जाना है हमारे इसमें ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हमारा सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद टिक कर देना है और टिक करने के बाद फिर से वीडियो पर जाना है। इतना करने के बाद फिर से आपको वीडियो पर चले जाना है और आप जाना है एडजस्टमेंट में। चलो एडजस्टमेंट जाने के बाद ब्राइटनेस का रखना है हमें 20-25 ही रखना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं 25 रख लेता हूँ। 25 रखने के बाद फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट हम ज़्यादा नहीं 80-85 रख लेते हैं। वीडियो के अनुसार जितना पे मैच हो उतना कर सकते हैं आप। ये 85-80 हो गया और सेचुरेशन पे आप ज़्यादा नहीं, ये 55-60 के बीच में रख लेना। चलिए यहाँ पे हो गया। वाइब्रेंस आपको पूरा कर देना है। ये करने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और हाईलाइट हो गया, हाईलाइट को भी फुल कर देना है। हाईलाइट फुल करने के बाद फिर से आ गया आप शैडो, शैडो को आपको ऐसे 50-60 के बीच में कुछ रख देना है। आप वीडियो को भी देखना है कि वीडियो में कितना पे मैच हो रहा है। और शैडो एडजस्ट करने के बाद आप गया गेन, गेन को कुछ नहीं करना है, ऐसे 0 पे रहने देना है। और गामा, गामा को आपको बढ़ाना नहीं है, इसे कम करना है। इसको मैक्सिमम 30-40 के बीच में रख देते हैं और लेफ्ट को 0 ही रखना है। और आ गया हुई, हुई को आपको ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पे कितना इसको 14-15 रख देता हूँ। ये होने के बाद आपका वीडियो अच्छी तरीके से बन चुका है और राइट क्लिक कर देना। ये तो मैंने एक शाम के वक्त वीडियो रिकॉर्ड किया इसलिए मेरा तो ऐसा वीडियो हुआ है। आप दिन में करो अच्छा वीडियो आएगा, उस अनुसार से आप एडजस्टमेंट कर लेना। इतना एडजस्ट करने के बाद वीडियो हमारा रेडी हो चुका है। यह इतना करने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। अब हमारा लगाना है स्लो मोशन और जहाँ से मैं पीछे मुड़ जाता हूँ पूरा यहाँ से मैंने स्लो मोशन लगा देना है। इतना नहीं, थोड़ा सा मुड़ते ही स्लो मोशन लगा देना है। यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है, जो बीच से टुकड़ा दो टुकड़े में हो जाएगा। और ये पीछे वाला पर सिलेक्ट करने के बाद आपको चला जाना है स्पीड में, स्पीड में क्लिक करने के बाद आपको चला जाना है एक पॉइंट छोड़ के आपको पूरे से स्लो मोशन में कर देना है। कैन मास्टर में इतना ही अवेलेबल है। इतना करने के बाद हमारा वीडियो एकदम रेडी हो चुका है। पीछे के वीडियो कट करने के लिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है, पीछे से कर जाएंगे। इतना करने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। यहाँ से आप शेप में जाके वीडियो के आप गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एक और टिकटॉक वीडियो जिसमें बैकग्राउंड रिमूव किया हो वो वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.